देखिए भारत एट नाइन काविंद्र चौहान के साथ। गुड इवनिंग एंड वेलकम। टुडे इज अ वेरी गुड डे बिकॉज टुडे इज डॉक्टर्स डे एंड ऑल्सो अ बैड डे फॉर मिसेस गांधी, मिसेस मेनका गांधी, बिकॉज भारत एट नाइन इज कंटिन्यूइंग अ सीरीज विच सेज अपोलोजाइज मेनका गांधी। लेकिन आज इस पर बात करूं उससे पहले, बीते दो साल से पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही, लाखों लोग बीमार हुए, कई की जान चली, इकॉनमी चरमरा गई और लोगों में डर है। और ऐसे वक्त में डॉक्टर लोगों का इलाज करते रहे, उन्हें आशा देते रहे और वो लोगों के एंजल बन गए। उनका महत्व इससे पहले हम कभी इतना समझ ही नहीं सके थे। और ऐसे वक्त में चाहे वो इंसानों के डॉक्टर हो या जानवरों के डॉक्टर, हर जीव के डॉक्टर को मैं राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस की बधाई देता हूं। और अब मुद्दे पर आ, तो अगर बीजेपी को ऐसा लगता है कि वेटनरी डॉक्टर्स के प्रेशर में या मीडिया के प्रेशर में वो मेनका गांधी पर कोई कार्रवाई करते हैं तो वो कमजोर नजर आ जाएंगे, वो वीक नजर आएंगे, दे लुक लाइक अ वीक पार्टी, तो मेरे पास उनके लिए एक समाधान है, एक सॉल्यूशन है। भूल जाइए मीडिया प्रेशर को, भूल जाइए वेटनरी डॉक्टर्स के प्रेशर को, अपनी अंतरात्मा को सुनिए। मेनका गांधी के डॉक्टर के साथ वार्तालाप के कई ऑडियो टेप आपको कोई भी वेटनरी डॉक्टर भेज देगा, आपको ट्विटर पे टैग किए जा रहे हैं, उनको सुनिए और फिर कार्यवाही करिए। क्योंकि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, गुजरात से लेकर बंगाल तक करोड़ों लोग यह देख रहे हैं कि बीजेपी के एक सांसद ऐसे भी हैं जो अपने आप को डिक्टेटर समझती है, जो डॉक्टर के साथ इतनी गंदी भाषा का इस्तेमाल करती है, जो डॉक्टर की पढ़ाई लिखाई सबको इतना बेइज्जत करती है, जो डॉक्टर के घर परिवार उनके माता पिता के लिए भला बुरा कहती है, जो उनको तरह तरह से जलील करती है। अगर ये सब कुछ बीजेपी के लिए नॉर्मल है तो फिर ठीक है, जनता उसका जवाब दे दे। बट आई हैव ओनली 3 क्वेश्चंस टू द रूलिंग पार्टी बीजेपी। जब सारी ऑडियो क्लिप्स पब्लिक डोमेन में है, जब पीडी डॉक्टर खुद बता रहा है कि कितनी बदतमीजी के साथ मेनका गांधी जी ने उनसे बात की, आपको क्यों ये सब कुछ सही लगता है? क्या मेनका गांधी बीजेपी के लिए इतनी जरूरी है कि उनका ये लहजा, उनका हमारे डॉक्टर्स के साथ अभद्रता करना सब कुछ जायज है? क्या करोड़ों डॉक्टर्स के सेंटीमेंट्स की कोई वैल्यू नहीं है? और आखिरी में मेनका गांधी जी, आप हर अधिकारी को ऐसे बोल देते हैं जिससे आप हर अधिकार खो चुकी, जनता ने आपको अधिकार दिलाए, आज जनता चीख चीख कर कह रही है कि आपको राजनीति में रहने का कोई अधिकार नहीं है, यू डोंट हैव एनी राइट टू बी इन पॉलिटिक्स, क्योंकि सत्ता के अहंकार से आप ग्रसित हैं, आपको कुछ दिन के लिए आत्ममंथन की जरूरत है, आपको छुट्टी पर जाने की जरूरत है। भारत एट नाइन में इस कैंपेन के चौथे दिन मैं आपके सामने और भी एविडेंसेस रखूंगा और प्रूव करूंगा कि मेनका गांधी का यह रवैया कोई पहली बार नहीं हुआ है, वो हर बार बारंबार बार बार इसी तरह से डॉक्टर्स को जलील करती है। आई डोंट नो व्हाट शी थिंक्स ऑफ हरसेल्फ। वो कहती हैं कि तुम्हारा हॉस्पिटल बंद करवा दूंगी, क्यों मैडम? इंडिया के हॉस्पिटल आपकी जागीर है। वो कहती हैं कलेक्टर को बोलकर तुम्हारा लाइसेंस छिनवा लूंगी, क्यों भाई? कलेक्टर आपका पर्सनल असिस्टेंट है क्या? वो कहती हैं कि तुम्हारी डिग्री फर्जी है, पढ़ाई कहां से की है, क्यों भाई? शिक्षा मंत्रालय में कोई नया जांच विभाग आया है क्या, जहां का आपको अध्यक्ष बनाया गया? एनीवेज, दिस टाइम इट्स गॉन टू फार। मिसेस गांधी, आई एम सॉरी, बट बाकी आगरा के वेटनरी डॉक्टर एलन गुप्ता, जिनके साथ मेनका गांधी ने अभद्रता की थी, उनके पास हमारी टीम के साथ, हमारी टीम के एक सदस्य हैं गौरव, वो पहुंचे हुए हैं, गौरव ने उनको लाइव लिया है, सवाल हम कर लेते हैं। तो हमारे चैनल पर इस वक्त दूसरी विंडो में आपको दिख रहे होंगे डॉक्टर एलन गुप्ता हैं ये। डॉक्टर एलन गुप्ता जी, पूरा मैटर क्या है वो बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि डॉक्टर एलन गुप्ता वही शख्स हैं जिनका ऑडियो सबसे पहले पब्लिक डोमेन में आया था, खूब वायरल हुआ था, उसके बाद उन्होंने बताया कि किस तरीके से मेनका गांधी ने उनको फोन किया और किस तरीके से उनसे पूरी बातचीत की, उनके साथ अभद्रता की, उनको जलील किया। तो एलन गुप्ता जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत, और सबसे पहले सीधे डायरेक्ट पूरा मैटर क्या है? तो मैं उसे समझाता हूँ कि
ऐसा कोई लेस लेस अगर पटी होती फुल विंडो में तो पैर अभी तक एक्सपायर हो जाता और उनकी तरह से ऑपरेशन को सफल रहा है तो इस तरह की ऐसी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो नहीं समय नहीं यूज करता है, वो आप शब्दों का उपयोग करता है, अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और इस तरह से वो धमकी देता है। उसके बाद 21 तारीख को मेरे पास कॉल आता है, कॉल श्रीमती मेनका गांधी का आता है और श्रीमती मेनका गांधी जी उसे शब्द कहती हैं, तो मैं बहुत समझाने की कोशिश करता हूँ लेकिन वो एक भी नहीं सुनती है, बहुत गंदे शब्द कहती हैं मेरे बारे में। प्रोफेसर के बारे में उन्हें समझाता हूँ और इसके अलावा मेरे डिग्री के बारे में, मेरी एजुकेशन के बारे में, मेरे गाँव के बारे में, यहाँ तक के जो मेरे और अभी चिंता नहीं है उनके बारे में होती। तो चलिए, एक वेटरनरी डॉक्टर होने के बाद कैसा लगता है जब आपको कोई सांसद सत्ता की हनक में आपको अपनी ताकत दिखाता है? एलन गुप्ता जी, बहुत गंदा है। मैं कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता इस तरह की चीज़ें। मतलब एक इंडिया में जो एग्रीकल्चर कंट्री है, जहाँ ज़्यादातर लोगों की आजीविका एग्रीकल्चर से चलती है और जो वेटरनरी डॉक्टर है इस एग्रीकल्चर का पूरी तरह से पार्ट है। योगी जी यहाँ के चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर इस पर स्पेशली कंसंट्रेट करते हैं कि ये फील्ड कैसे डेवलप हो। आप बाहर की कंट्री देखिए, न्यूजीलैंड, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी कंट्री के एग्रीकल्चर बेस्ड है वो आज इतने डेवलप है। ये कैसा लोकतंत्र है कि यहाँ जो एग्रीकल्चर फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं, वेटरनेरियन हैं जो इसके लिए जान लोग दिन रात काम कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, उनका इलाज कर रहे हैं, उनकी सर्जरी कर रहे हैं, उनके साथ इतने गंदा अवसर होते हैं, बहुत गंदा लगता है। जी बिल्कुल। एलन गुप्ता जी, इतनी पढ़ाई लिखाई, वेटरनरी डॉक्टर बने, क्या कभी सोचा था कि इतना भला बुरा भी सुनने को मिल जाएगा? मतलब परिवार को लेकर भी इतना कुछ सुनने को मिलेगा, सोचा था कभी ऐसा? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस फील्ड में आऊँ तो ऐसा मेरे साथ हो सकता है, कभी नहीं सोचा। बड़ा गंदा फील। ठीक, तो उनको तो ऐसा लगता है कि ठीक है, गाली दे दी, हो गया, वो सांसद हैं, आप क्या कर सकते हो? कम से कम उन्हें खेत पर प्रकट करना चाहिए और उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। ओके एलन गुप्ता जी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम टू अस। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर एलन गुप्ता साहब, जो कि बता रहे थे कि किस तरह से, किस बदतमीजी के साथ सांसद मेनका गांधी ने इनसे बात, और ऐसे ना जाने कितने डॉक्टर्स देश भर जो मेनका गांधी के एरोगेंस का शिकार हो चुके। मेरे पास कुछ ऑडियो क्लिप्स हैं, सारी ऑडियो क्लिप्स प्ले कर रहा हूं। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं रुकूंगा नहीं, मैं ऑडियो क्लिप प्ले कर दूंगा, बार बार ऑडियो प्ले कर दूंगा। तो हमारे पास डॉक्टर्स के द्वारा भेजी गई कुछ ऑडियो क्लिप्स हैं, इसकी पुष्टि हमारे द्वारा फिलहाल नहीं की गई है, लेकिन डॉक्टर्स ने इनको भेजा है, जरा इनको भी सुन लीजिए। लेकिन ठंडे दिमाग से सुनिएगा, क्योंकि सांसद जी की बातों में किसी विलेन जैसा व्यवहार आपको नजर आएगा। बैक टू बैक रिकॉर्डिंग्स चलाइए जरा। हेलो, नमस्कार मैम, आप डॉक्टर हैं या क्या हैं? मैं डॉक्टर सुधांशु बंसल बात कर रहा हूँ मैम आपसे। मैं आपकी लाइसेंस अब लेने वाली हूँ, बताइए। मैम आप मेरी बात तो सुनिए, उसको किडनी फेसबुक पर आपने कम से कम 20-30 इस तरीके से जानवरों को मारा है, आपको एक टका कुछ मिल नहीं है, ये आपके ऊपर क्रिमिनल केस अब लगने वाला है। उसका किडनी का क्रिएटिनिन लेवल हाई आया था। तो फिर आपने एंटीबायोटिक क्यों दिया कम वक्त? मैम एंटीबायोटिक तो उसको बहुत माइल्ड एंटीबायोटिक था। क्यों एंटीबायोटिक दिया जब उसके पास किडनी प्रॉब्लम्स थे? आप पागल तो नहीं है इतने सारे इंजेक्शन एक साथ देना? आप पागल है क्या? नहीं मैम, कभी भी आइवरमेक्टिन, एंटीबायोटिक, ये सब एक साथ नहीं दिया जाता, कभी भी नहीं। मैं भी अस्पताल चलाती हूँ, कभी इंजेक्शन नहीं देते स्किन एलर्जी में। पागल आदमी, बकवास, और उसके ऊपर से बोल रहे हो कि किडनी फेलियर था, बेवकूफ आदमी। मैं तुमको 24 घंटे देती हूँ, तुम अपना बंद कर दो, क्योंकि फेसबुक पर तुमने पता नहीं कितने जानवर मार चुके, कितनी शिकायत है तुम और तुम्हारे भाई की। हाँ, तुम लोग चौराने के लोगों, किसी को पता डिग्री भी रही है कि नहीं है? तुम्हारा भाई क्या है, वो भी डॉक्टर है? हाँ जी मैम, दोनों भाई डॉक्टर हैं। तो तुम दोनों चोरों की मंडली चलाते हो क्या? किसने तुमको बोला था उसको बकवास देने के लिए, जिससे उसका अक्यूट किडनी फेलियर हुआ? मैम इंजेक्शन से कहीं भी टेक्स्ट में नहीं लिखा हुआ है किडनी फेलियर होता है।
बिल्कुल होता है बेवकूफ, इसका मतलब तुमको कुछ मालूम नहीं, अक्यूट किडनी फेलियर होता है, नहीं पागल हो तुम, पागल हो तुम और तुम्हारे भाई एक नंबर के चोर हो। कुल मिलाकर के कितना लिया तुमने? कुल मिला के 5 to 7 thousand मेडिसिन भी दिया था। 5 to 7 thousand कुत्ते को मारने के लिए, सब पैसा वापस दो एकदम। हेलो हेलो, आप डॉक्टर पीडी जैन बोल रहे हैं? हाँ जी मैं प्रणाम है। मैं मेनका गांधी बोल रही हूँ। अरे प्रणाम प्रणाम है। अभी तक आपने वो बंदर को क्यों नहीं उठाया विवेकानंद हॉस्पिटल से? मैम ये बंदर तो मेरे हॉस्पिटल पे है, उठाने के लिए फॉरेंस डिपार्टमेंट से मतलब होता है, मेरा पीटमेंट का हॉस्पिटल है। वेटनरी डॉक्टर है ना? जी। आप क्या है वहाँ के सीरियो है? नहीं सीरियो नहीं हूँ, कितनी सीरियो। आपको नौकरी नहीं चाहिए क्या? आपको नहीं चाहिए नौकरी? आप जरा मुझे बता दीजिए, क्योंकि नौकरी नहीं चाहिए तो हम आपको मुरादाबाद से हटा देते हैं। मैम अभी शाम को फोन आया था किसी का, तो मैंने आपका फर्ज होता है जानवरों का ट्रीटमेंट, चाहे वो केवल कुत्ते और गाय नहीं, कोई भी जानवर। जी मैम मैं आपकी बात कर रही हूँ मैम। आप उठाइए उस जानवर को अभी। मैम ट्रीटमेंट मैं कर दूंगा उसका, ये बताइए रखने की व्यवस्था होगी मैम मेरे? आप रखने की व्यवस्था आपके अस्पताल में होगी, समझ गए? आपके पास अस्पताल है कि नहीं है? नहीं मैम हॉस्पिटल है, लेकिन यहाँ कोई स्टाफ नहीं रहता मैम। मुझे परवाह नहीं है, आपको इसको उठाना चाहिए था, और अगर आप नहीं उठाएंगे, आपने पहले भी मुझे बहुत तंग किया है पीडी जी। मैम ऐसा कुछ नहीं है, आप अगर रिटायरमेंट के नजदीक है तो मैं आपके ऊपर अभी सीआईडी का केस लगा देती हूँ, आपके सारे रिटायरमेंट के फंड मैं बंद करवा देती हूँ। चुप रहो पीडी जी, चुप रहो जब मैं बात करती हूँ। उठाओ उस जानवर को अभी। जी और फिर देखिए, अगर शायद वहीं छोड़ना पड़े, अगर एक कोने में जी वहाँ ले जाए, उसको खाना देना है, उसको ड्रिप देना है, वो क्यों पड़ा हुआ है? और आपको जब कहा गया तो चूते की तरह आप क्यों नहीं काम करते हैं? मैम फोन करा उसके बाद, अभी फोन आया था मेरे पास, कुछ नहीं किया उसके बाद, हॉस्पिटल लेके किसी ने ये नहीं बोला। नहीं उन्होंने सुना देता हूँ, मुझे ये बकवास सुनना नहीं है। नहीं अभी अभी और एक घंटे में आप मुझे फोन करेंगे? नहीं उसके बाद यू वन ऑप्शन व्हेन आई एम टॉकिंग टू इफ यू डोंट शट अप यू जस्ट सी आई सेंड द पुलिस राइट नाउ एंड पिक यू अप। नहीं नहीं उसके बाद मैम डॉक्टर नेहरू के पास भी गए थे, डॉक्टर नेहरू ने कहा इतना घटिया काम उन्होंने कभी देखा नहीं। ई कॉलर है मैं कह रही हूँ, तुमने ई कॉलर डाला या डी कॉलर डाला? सवाल ये है कि वो स्टिचेस खुल गए एक नहीं दो दफा, और दोनों दफा तुमने पैसे लिए। मैंने मैडम आदमी की दोबारा भी करते हुए तुमने 4,000 रुपए मांगे। मैं बात करता हूँ। किससे बात करोगे? मैं अभी अभी कलेक्टर से बात करने वाली हूँ 5 मिनट में। तुम वेट 4 आने के 2 टके के लोग, ऑपरेशन करना नहीं आता, चीप चीप इस्तेमाल करते हो हर चीज, पैसे लेते हो हजारों में, इन्फेक्शन लग गया क्योंकि इतनी 2 दफा वो निकल चुके थे, दोनों दफा तुम्हारी वजह से डॉक्टर अपने आप को कहते हो, मानने के लिए तैयार नहीं हो कि गलती तुमने की। और अभी मैं उमेश शर्मा से बात करने वाली हूँ, तुम्हारे जैसे चोर बदमाश चक्कू है ही नहीं। अब यह बताओ कि अभी तक आई वॉन्ट दैट मनी सेंड टू देम, स्टूडेंट है वो लड़का, मैं जानता तुमने उनको लूट लूट करके तबाह किया। You will send them the money by check right now. Do you understand? अगर तुम एक दफा बोल दे कि मेरे पास मेरे से गलती हो गई तो मैं शायद माफ भी करती। तुम अभी तक बोल रहे हो नहीं मैंने ई कॉलर लगा दिया, मैंने ई कॉलर से क्या मतलब है भाई? हेलो मैडम नमस्ते, ये लाइसेंस आपका मैं ले लूं और खत्म करें मैं? बोलिए। नहीं मैडम। इतने यूजलेस ब्लडी फूल आदमी हो तुम, ये एक औरत ने तुमको 5 कुत्ते भेजे हैं, उसमें से एक भाग गया, हाँ 2 स्टिचेस हील नहीं हुए, 1-2 प्रेग्नेंट है, ये उनके सारे कान इस तरीके से कटे हैं कि उनके पास ईयर इन्फेक्शन हो गया और फीवर हो गया। हाँ नहीं मैं अभी तेरी लाइसेंस लेकर के रखूँ, समझे? नहीं 2 तारीख को मैडम हमने उनके 3 कुत्ते लाए थे, 3 फीमेल थे, उनका 4 तारीख को ऑपरेशन हुआ था और उनका रिलीज 17 तारीख को हुआ था। नहीं मैडम नहीं, गलत। मैं बंद कर दूं तुम्हारे सेंटर को, मैं बंद करने वाली हूँ और तुम्हारा लाइसेंस चले जाना चाहिए, तुमने ही ऑपरेट किया ना? जी मैडम।
हो, इतने हो तुम, क्यों ऑपरेट किया तुमने? दो तारीख वाला वो सब अच्छे है, अभी 13 तारीख का उनका जो पेंडिंग है उसके साथ में भेजने का प्लान था। 2 तारीख का अभी तक क्या तारीख है? 28 तारीख। हाँ। तो 26 दिन के लिए क्यों रखा है? उसका स्टिचेस का स्टेटस मैं आपको बोलता हूँ मैडम, क्योंकि तुम घटिया सूचर्स इस्तेमाल कर रहे हो। नहीं, दूसरा, तुमने ये कान तुमको काटना नहीं आता तो मत काटा करो। नहीं मैडम, नहीं, आपको गलत इन्फॉर्मेशन आया है इसकी। उसको फीवर भी था, उसका कान भी उसका ठीक से नहीं किया। पूरे मैं तुमको बता रही हूँ, यह आखिरी दफा तुमको वार्निंग दे रही हूँ शिल्के। तुम एक यूजलेस डॉक्टर हमेशा थे। नहीं मैडम, नहीं, आपको गलत, अभी तुम नहीं, तुम बंद करो अपना एबीसी, बंद करो अपना एबीसी और पहले उसको रिपेयर करवाओ और उसके बाद कुछ कराओ। सारी कुत्ते वापस डालो। यस मैडम, आपको यूजलेस ब्लडी फूल। सो मेनका जी, एज आई हैव टोल्ड यू, टिल यू डोंट अपोलोजाइज आई विल नॉट स्टॉप। यू मेड मॉकरी ऑफ आवर डेमोक्रेसी एंड बीजेपी, वर्ल्ड्स बिगेस्ट पॉलिटिकल पार्टी, इफ यू डोंट हैव गट्स टू सैक योर एमपी हु ओपनली अब्यूजेस आवर डॉक्टर्स, देन यू डोंट हैव एनी राइट टू मेक दिस हल्लाबुल्लू ऑन सोशल मीडिया विशिंग डॉक्टर्स हैप्पी डॉक्टर्स डे। यू डोंट हैव एनी राइट। एक तरफ आप कहते हैं हैप्पी डॉक्टर्स डे, एक तरफ आपकी सांसद फोन करती हैं, कहती हैं बदतमीज हो तुम, कहती हैं तुम ऐसे तुम वैसे तुम ये तुम वो। दिस इज हिपोक्रेसी। इफ यू आर इधर, यू आर राइट और इधर यू आर रॉन्ग। इफ यू आर राइट, सैक योर एमपी, एंड इफ यू आर नॉट राइट देन यू आर अ हिपोक्रेट। एंड आई एम सॉरी टू से दिस टू यू, बट यू आर अ हिपोक्रेट इफ यू डोंट सैक योर एमपी। एमपी मिसेस मेनका गांधी जी, डॉक्टर्स बहुत भले लोग हैं। आज डॉक्टर्स डे था, मैंने पूरे दिन सोचा कि आज शायद आप माफी मांग लेंगे और इस पूरी घटना पर पूर्ण विराम लगाएंगे, लेकिन आज भी आपका अहंकार कंटिन्यूएशन में जारी रहा। आज भी आपने माफी नहीं मांगी। आपको लगता है कि ये छोटे से कीड़े मकौड़े हैं, डॉक्टर्स, पत्रकार, सब कीड़े मकौड़े हैं, और आप कोई बहुत विशाल काय, बहुत विशाल काय कोई चीज है। आई एम टेलिंग यू टुनाइट, यू आर रॉन्ग एंड बिलीव मी, यू आर रॉन्ग एंड पीपल विल पनिश यू। मिसेस मेनका गांधी, मार्क माय वर्ड्स, पीपल विल पनिश यू इन अपकमिंग इलेक्शंस। Because enough is enough. दर्शकों, कल एक बार फिर मुलाकात होगी आपसे भारत एट नाइन में। हमारा जो पूरा अभियान है वो इसी तरह चलता रहेगा जब तक जिन्होंने किया है उनको उनके किए की सजा नहीं मिल जाएगी। So this is it for today. See you tomorrow. Good night.